हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सदफ और आप देख रहे हैं डेली फूड। आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल की बर्फी, जो कि बहुत फेमस है और इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हम शक्कर लेंगे 3 कप और 1 गिलास दूध, और शक्कर में यानी कि चीनी में हम दूध को डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और ये 4 कप है फ्रेश नारियल, जो कि हम इसको ग्राइंड कर लिए हैं, और सारे नारियल को हम इसमें अच्छे से डाल देंगे और फिर हम इसको मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिलाना है ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए और नारियल दूध और चीनी मिल जाए अच्छे से। इसको चलाना है अच्छे से। और ये 1 टेबल स्पून गाय का घी है, ये 2 ग्रीन कार्डिमम का दाना है फूटा हुआ। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और एक पैन रखेंगे, उसमें हम 1 टीस्पून घी डालेंगे और पैन को हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि घी अच्छे से मिल जाए। और हम सारे मिक्स किए हुए चीज़ को डाल देंगे और फिर हम चलाएंगे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक हम इसको बनाएंगे। आप देख सकते हैं नारियल की बर्फी एकदम अच्छे से बन रहा है, और इसको हमें चलाते रहना है ताकि पकड़े नहीं पैन में। नारियल की बर्फी तैयार है। अब हम इसे गैस को ऑफ करेंगे और एक प्लेट लेंगे और उसमें हम घी लगाएंगे, अच्छे से घी लगाएंगे, चारों तरफ से मिलाएंगे। अब हम प्लेट में इसको डाल देंगे और कलछी से, अभी गर्म है इसलिए कलछी से हम इसको बराबर करेंगे और फिर हम इसे हाथ से कर लेंगे चिकना। और इस पर थोड़ा सा हम बादाम डाल देंगे, पिस्ता, और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको कट करेंगे। ठंडा हो चुका है, अब इसमें सूखा नारियल हम इस पर थोड़ा सा डाल देंगे और हाथ की मदद से इसको हल्का प्रेस करके इस पर मिलाएंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। अब हम इसे काटेंगे चाकू से, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। अच्छे से इसको काटना है एकदम ध्यान से। ये देखिए एकदम अच्छे से नारियल की बर्फी कटा हुआ है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे, एक एक करके हम इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये नारियल की बर्फी बहुत ही बढ़िया बना है। हम सारे नारियल की बर्फी को एक एक करके हम निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारा नारियल का बर्फी बहुत ही बढ़िया बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।